The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello, hello everyone. Namaskar, adab, sat sri akal. Kaise hain aap? Main hoon Dr. Paramjeet aur aap dekh rahe hain Dr. Education. Dosto, आज हमारा जो टॉपिक है वो है डायबिटीज, शुगर, ब्लड शुगर, हाई ब्लड शुगर, अनकंट्रोल्ड शुगर. अनकंट्रोल्ड शुगर से क्या क्या नुकसान होता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं शरीर के अंदर, वो कैसे नुकसान करता है, उसके बारे में समझेंगे. इट्स वेरी वेरी इजी बट वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि लोगों ने कभी किसी को पता ही नहीं है, तो दैट्स व्हाई आप समझ नहीं पाते. लेकिन बहुत आसान है समझना. आज हम समझेंगे हर एक चीज को वेरी वेरी डिटेल में. और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन. और अगर आपको पसंद आ रहा है तो आपको लाइक का बटन दबाना है और दबाते रहना है. लाइक और हार्ट का बटन दबाते रहिए, उससे हमें पता चलता रहता है कि आप अप्रिशिएट कर रहे हैं. राइट, सो टुडेज टॉपिक इज अनकंट्रोल्ड डायबिटीज. सो आइए बात करते हैं अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. सो डायबिटीज क्या है? डायबिटीज, आप सभी के शरीर में शुगर तो है ही, ब्लड शुगर नॉर्मल मात्रा में प्रेजेंट होती है. डायबिटीज उसे कहते हैं जब ये ब्लड शुगर नॉर्मल से हाई हो जाए, नॉर्मल से ज्यादा रहे ज्यादातर समय. एक आधी बार हाई होना डायबिटीज नहीं है, बिकॉज जब आप खाना खाते हो इमीडिएटली शुगर बहुत ज्यादा आपके बॉडी के अंदर चल जाएगी, उस समय आपके अंदर ब्लड शुगर हाई हो सकती है थोड़ी देर के लिए, बट दैट इज नॉट डायबिटीज. डायबिटीज का मतलब है कि आपका शरीर खून में आई हुई शुगर को खून से बाहर, यानी कि सेल्स के अंदर, आपके मसल्स के, आपके बॉडी के ऑर्गन्स के सेल के अंदर नहीं पहुंचा पा रहा, दैट इज डायबिटीज. उस चीज का इफेक्ट क्या पड़ेगा, उस चीज का कारण क्या है? ऑब्वियसली मोटापा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आपका शरीर बहुत ज्यादा शुगर्स हैंडल नहीं कर पा रहा, बहुत ज्यादा शुगर्स खा रहे हैं. इन सब कारण की वजह से ब्लड में शुगर ज्यादा आ रही है, और शुगर ज्यादा होने के वजह से आप वो आपको डायबिटीज है. लेकिन इससे आगे चल के क्या होगा ये बात समझनी जरूरी है. सो क्या होगा, नंबर वन समझिए, जब शुगर ब्लड में ज्यादा घूमेगी तो हर एक ऑर्गन को शुगर ज्यादा मिलेगी, हर एक ऑर्गन के अंदर शुगर ब्लड में ज्यादा रहेगी. लेकिन यहां प्रॉब्लम आ रहा है कि ये ब्लड में ही शुगर है, ये शुगर ब्लड से जो सेल्स के अंदर जाना चाहिए, हर एक ऑर्गन के सेल्स के अंदर, वहां नहीं गई है, वहां नहीं जा रही है. वही तो बीमारी है कि इंसुलिन कम है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिससे कि सेल्स में ब्लड में शुगर नहीं जा रही, सेल्स के अंदर ब्लड से शुगर नहीं जा रही. सो खून में शुगर घूम रही है, सेल्स में नहीं जा रही है, तो आपके सेल्स अभी भी भूखे हैं, आपके सेल्स को एनर्जी नहीं मिल रही, क्योंकि शुगर क्या है, ग्लूकोज क्या है, एनर्जी सोर्स है. तो सेल्स में शुगर नहीं जा पा रही है, खून में घूम रही है, वो किसी काम की नहीं आपके सेल्स के लिए, एनर्जी के लिए, इसलिए आपको लगती है भूख ज्यादा. इसलिए डायबिटीज में पॉलीफेजिया होता है नंबर वन, सेकंड होता है पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया. पॉलीयूरिया यानी ज्यादा पेशाब आना, पॉलीफेजिया यानी ज्यादा भूख लगना. ज्यादा पेशाब क्यों आता है, क्योंकि जब शुगर खून में ज्यादा रहती है तो शरीर सोचता है इसको निकालें, निकालना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स में तो जा ही नहीं रही है, सेल्स में नहीं जा रही है, खून में जमा होती जा रही है, खून में जमा ज्यादा होगी तो 180 के लेवल के बाद वो खून से किडनी में निकलनी शुरू हो जाएगी, किडनी से निकलनी शुरू, यूरिन से निकलनी शुरू हो जाएगी 180 के ऊपर. तब आपका शरीर से सिर्फ शुगर नहीं निकलती, पानी भी ज्यादा निकलता है, तो यूरिन भी ज्यादा आता है, पॉलीयूरिया. तब आपको ज्यादा यूरिन, तो डिहाइड्रेशन होता है, तो प्यास लगती है, पॉलीडिप्सिया. पॉलीडिप्सिया यानी प्यास ज्यादा लगना. सो इसलिए ये तीन मेन सिम्टम होते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया डायबिटीज के. लेकिन ये तो सिम्टम है, हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लिकेशन की. सोचिए अगर आपको नहीं पता चला, आपने ध्यान नहीं दिया, या आप ट्रीटमेंट करा रहे हो लेकिन ट्रीटमेंट से कंट्रोल नहीं हो रहा, डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल डायबिटीज से ज्यादा लंबे समय के लिए आपके शुगर खून में घूमेगी. शुगर ज्यादा लंबे समय के लिए खून में घूमेगी तो क्या होता है, वो जैसे चाशनी है, चाशनी बनाते हो तो कढ़ाई में परत जमा हो जाती है. मान लो कि चाशनी आप किसी प्लास्टिक के कटोरे में डाल दो, तो वो प्लास्टिक क्या होगा, गरम गरम परत बार बार जमा होगी, वो खराब होना शुरू हो जाएगा. वैसे ही जब शुगर खून में ज्यादा होती है, खून में शुगर ज्यादा होती है तो खून ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं,
यानी कि ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी कम होनी शुरू हो जाती है, वहां वेस्क्युलोपैथी जिसे कहते हैं, वेस्क्युलोपैथी होनी शुरू हो जाती है, वहां पर न्यूरोपैथी होनी शुरू हो जाती है, वहां पर हर एक ऑर्गन में जाने वाली खून की नस खराब होनी शुरू होती है। ये लंबे समय में होता है और किसी किसी में जल्दी होगा, किसी में लेट होगा, लेकिन होगा। तो सबसे बड़ी चीज जो होती है वेस्क्युलोपैथी, इसी वजह से वेस्क्युलर जो खून की नसें की इलास्टिसिटी कम होना, उसमें इंफ्लामेशन जल्दी आना, उसमें बीमारियां यानी उसमें क्लॉट्स, उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस, उसमें कोलेस्ट्रॉल, उसमें प्लाक जल्दी बनना, उसमें इंफ्लामेशन यानी उसमें हार्ट अटैक का रिस्क ज्यादा, इधर उधर में जाने वाली खून की नसें ब्लॉक होने का रिस्क, नीचे पैर में जाने वाली खून की नसें ब्लॉक होने का रिस्क, ये सब रिस्क ज्यादा होता है। इसे वेस्क्युलाइटिस या वेस्क्युलोपैथी कहते हैं। वेस्क्युलोपैथी इज अ बेटर टर्म, डायबिटीज वेस्क्युलोपैथी। वेस्क्युलोपैथी के अलावा न्यूरोपैथी भी होती है डायबिटिक पेशेंट्स में। खून की नसों के साथ इलेक्ट्रिकल नसें भी खराब होती हैं हर एक जगह की। हर एक जगह मतलब आपको सुनपना आने लग सकता है, पैरों में सुनपना, पैरों में सेंसेशंस कम होना शुरू हो सकता है। दैट मींस कि आपकी वहां की खून की नस के अलावा इलेक्ट्रिकल नस भी खराब हो रही है। दैट इज न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी। अब अगर ये न्यूरोपैथी हार्ट को जो नस जा रही है इलेक्ट्रिकल नस उसमें हो गई, तो हार्ट के अंदर जो सेंसेशन है वो भी आपको नहीं होगा, तो आपको साइलेंट हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये बात आपको समझनी जरूरी है, साइलेंट हार्ट अटैक डायबिटीज पेशेंट्स में क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल नस खराब हो जाती है डायबिटिक पेशेंट्स में, इसलिए उनको अटैक हो रहा है। अटैक जब भी होगा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दर्द ही ना हो, क्योंकि अटैक हो रहा है, डैमेज हो रहा है, लेकिन वहां पे खून की नस गई है। जैसे आपको डायबिटीज वाले पेशेंट को पैर में डायबिटिक फुट हो जाता है, डायबिटीज अल्सर हो जाते हैं, वो अल्सर हो जाते हैं, और वो इसलिए होते हैं क्योंकि वहां सेंसेशन चला जाता है, सेंसेशन चला गया, आपको फील ही नहीं होता कि जमीन नहीं फील हो रही है, तो आपको चोट लगी तो आपको पता नहीं चलता, राइट। सो ये होती है डायबिटिक न्यूरोपैथी, राइट। पीछे फिजियोथेरेपी चल रही है, डोंट गेट डिस्टर्ब, ओके। और उसके अलावा तो हो गया वेस्क्युलोपैथी, हो गया आपका न्यूरोपैथी, डायबिटीज वेस्क्युलोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी। इसके अलावा डायबिटीज में नेफ्रोपैथी होती है, कार्डियोमायोपैथी होती है। कार्डियोमायोपैथी का मतलब हार्ट में प्रॉब्लम, नेफ्रोपैथी का मतलब किडनी में प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? ये ही खून की जैसे किडनी में जो जाती हैं, जो किडनी को खून लेके जाती हैं, जो इलेक्ट्रिकल नसें किडनी में जाती हैं, जो आपके ब्लड को फिल्टर कर रही हैं किडनी के अंदर, ग्लोमेरुलस ये फिल्टर्स हैं वहां पे, वहां सब में शुगर ज्यादा होने की वजह से डैमेजेस होते हैं, तो किडनी खराब होना शुरू होती है। किडनी में एक के बाद एक डैमेजेस होते हैं और स्लोली आपका यूरिया, आपका क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू होता है, आपका ईजीएफआर एक मिनट में आपके यूरिन कितना बन रहा है वो कम होना शुरू होता है। ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी होनी शुरू होती है। ऐसे केसेस में ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपको कार्डियोमायोपैथी भी हो। कार्डियोमायोपैथी का मतलब वही है कि हार्ट के जाने वाली खून की नसों में ब्लॉकेज हो रहा है, हार्ट में इलेक्ट्रिकल नसों में ब्लॉकेज हो रहा है, जिससे कि कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं। सो डायबिटीज इज अ वेरी डिफिकल्ट और वेरी 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 डेंजरस डिसऑर्डर, जो मैनेज करना आपको डेली बेसिस पे बहुत जरूरी है, राइट। इसीलिए रेगुलर चेकअप, रेगुलर ये करना जरूरी है। इसके अलावा डायबिटिक न्यूरोपैथी भी होती है। हमने बात करी डायबिटिक वेस्क्युलोपैथी, न्यूरोपैथी नसों की, डायबिटिक न्यूरोपैथी दिमाग को भी असर कर सकती है। डायबिटिक रेटाइनोपैथी भी होती है, आंखों को भी असर कर सकती है। जो खून की नसें, छोटी छोटी खून की नसें अगर वो डैमेज कर रही है, किडनी को जाने वाली, हार्ट को जाने वाली, हाथों पैरों को जाने वाली, तो वही आंखों को जाने वाली भी खून की नसें डैमेज होती हैं, और वहां पर जाने की नसें खूनी कम जाएगा, खून की नसें कम जाएंगी, या शुगर ज्यादा चला जाएगा, शुगर ज्यादा डिपॉजिट हो रहा है, तो वहां केस में रेटाइना में आंख के पीछे के पर्दे पे डैमेज होना शुरू होता है, रेटाइनोपैथी होनी शुरू होती है। आंखों का विजन लॉस हो सकता है, आंखों के सामने अंधेरा आ सकता है, आंखों के पीछे डॉट्स आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकता है। सो डायबिटीज इज अ डेंजरस डिसऑर्डर, जो लंबे समय में स्लोली आपके पूरे सिस्टम को खराब करती है। आपके लिवर के अंदर ओवर स्ट्रेस आता है, बिकॉज ऑब्वियसली आपके मोटापा ज्यादा चल रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आपके अंदर शुगर जा नहीं रही है, आपकी बॉडी को डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो सकता है। कीटो एसिडोसिस में लिवर को, आपकी बॉडी को, मसल्स को, लिवर को काम करना पड़ रहा है कि शुगर तो खून में घूम रही है, टिश्यूज में तो जा ही नहीं रही, सेल में तो जा ही नहीं रही, तो एनर्जी सेल को कहां से मिलेगी? एनर्जी फैट से मिलेगी। आपके सेल्स फैट तोड़ तोड़ के एनर्जी बना रहे हैं, उस केस में कीटोसिस, जो
कीटो डाइट वाले लोग करते हैं, डायबिटीज वालों को खुद ही हो रहा है, कीटोसिस हो रहा है, और डायबिटीज वालों में वो एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है। कीटोन्स उसकी बोन की बॉडी में 8, 10, 12, 14 इतने ज्यादा हाई हो जाते हैं कि उनको बौखलायापन आ सकता है, उनको डिजीनेस हो सकता है, उनको चक्कर आ सकता है, उनका कॉन्सेंट्रेशन से लेके वो कोमा तक में जा सकते हैं। उस केस में शुगर उनकी 400-500 आसपास हाई भी जा सकती है, ऐसी हाई जाती है, तब हम सोचते हैं कि इतनी ज्यादा शुगर है लेकिन पेशेंट डिसोरिएंटेड है, उस केस में उसको कीटोसिस, कीटोन्स, यूरिन में कीटोन्स चेक करते हैं, ब्लड में कीटोन बॉडीज चेक करते हैं कि उसके वैल्यूज क्या, उनके लेवल्स क्या है। ये डेंजरस चीजें हैं, डायबिटिक कीटोसिस, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक वैस्कुलोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, रेटाइनोपैथी, कार्डियोमायोपैथी, कोई बचा, इतनी सारी चीजें बता दी आपको डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन। सो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। आपको डायबिटीज वाला हमारा वीडियो दूसरा देखना है जो हमने ऑलरेडी बनाया है कि डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करें। इट्स ऑल अबाउट डाइट एंड एक्सरसाइज, इट्स ऑल अबाउट नोइंग द कॉन्सेप्ट, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे, थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा अपने आप को अच्छे से अपनी डाइट को समझेंगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा। सो ये हुई बात दोस्तों एक डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस की। याद रखो कोई भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो आपको, दूसरी भी, अगर मान लो डायबिटिक पेशेंट है तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है, आगे चल के बुखार हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, पेट में गड़बड़ हो सकता है, उल्टा सीधा खा लिया हो सकता है, वो सारी बीमारियां के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे जस्ट बिकॉज आपके डायबिटीज। डायबिटीज ओवरऑल इम्यूनिटी कम करती है आपकी, ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी कम होगी, सो इट इफेक्ट्स अ लॉट, राइट। सो इसलिए डायबिटीज को मॉनिटर करिए, हर 3 महीने में HbA1c कराइए अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, हर ऑल्टरनेट डे या रोज फास्टिंग ब्लड शुगर मॉनिटर करिए कि मेरा फास्टिंग ब्लड शुगर बहुत ज्यादा हाई तो नहीं जा रहा, बहुत ज्यादा लो तो नहीं जा रहा, हाइपोग्लाइसीमिया भी खराब है और बहुत ज्यादा हार्ट भी खराब है, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अपने कोई भी सवाल है तो जरूर लिखिए। ये हुई बात डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस की, डायबिटीज के बारे में समझने के लिए आप हमारे डायबिटीज के दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई एम डॉक्टर परमजीत। अब आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, अगर आपके कोई सवाल है उसके जवाब हम जरूर देंगे, सो प्लीज।